इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न के टारगेट कहाँ पे रखना है। हमने बेसिक सीखा, उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक सीखे, उसके बाद में हमने सीखा कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमने सीखा कि बाय सेल कहाँ पे करना है, एंड देन स्टॉप लॉस रखने भी हमने सीखा। और इस वीडियो में हम टारगेट कहाँ पे रखना है ये सीखने वाले कि प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है। दिस इज़ अगेन और एक बहुत बड़ी ट्रेडर्स की, कॉमन मैन की मिस्टेक होती है कि बाय तो कर लेते हैं, स्टॉप लॉस भी कई बार अच्छे से रख लेते हैं, बट जब स्टॉक ऊपर जाता है, सो बॉट एट 100, इट वेंट टू 150 एंड फिर वापस 100 पे आ जाता है। बॉट एट 100, इट गॉन टू 200, वापस 80 हो जाता है, एंड देन अरे यार बेच देना चाहिए था मुझे। सो वो सारी चीज़ें ना हो, किस तरीके से प्रॉफिट्स बुक किए जाते हैं सही टाइम पे, सही वक्त पे, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, चलो आओ स्क्रीन पे वो हम देखते हैं। सो हमने ये सीखा कि पहले वीकली और डेली में अप ट्रेंड होना चाहिए, मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए बाय करने के लिए, और फॉलिंग होना चाहिए शॉर्ट करने के लिए। एक बार हमको दोनों टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज बाय मिल जाते हैं, मतलब बुलिश मिल जाते हैं, उसके बाद में हम वेट करते हैं कि राइजिंग मूविंग एवरेज पे ही प्राइस आ करके सपोर्ट ले, उसके नियर आ करके वाइट कैंडल बने, ग्रीन कैंडल बने, एंड उसके बाद में हम उसके हाई के ऊपर बाय करते हैं और लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट्स कैसे बुक करना है। हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे वीकली में जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग है, और डेली पे भी यहाँ पे हमको मूविंग एवरेज राइजिंग ही मिल रही है। सो यहाँ पे नियर है और यहाँ पे फिर हाई, यहाँ पे नियर है आई मीन, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे एक वाइट कैंडल आ गई, सो इसके हाई के ऊपर बाय हो जाएगा। इतना तो हमने सीख लिया। और जो लोएस्ट लो है, दोनों में से लो कौन सा है मुझे आप बताओ। हमारे पास दो कैंडल्स है, एक ब्लैक और एक वाइट। सो दोनों में से लोएस्ट लो कौन सा है, ऑब्वियसली वाइट वाला लो है, सो उसके नीचे का स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि एग्जिट कैसे करना है, एग्जिट मेथड क्या है। सो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि एंट्री कहाँ पे हुआ। 65.50 का हाई है, ठीक है, 65.50 का हाई है, तो हमारी जो एंट्री होती है वो उसके थोड़ा ऊपर। सो हम ले लेते हैं कि 65.60 पे हमारा एंट्री हो गया। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले एंट्री, उसके बाद में हम स्टॉप लॉस देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, मैं देख रहा हूँ प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जो हमारा लो है वो है 62.85, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉप लॉस इक्वल्स टू 62.85, उसके थोड़ा नीचे रखना होता है, तो मैं यहाँ पे 75 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री हो गया। इसके बाद में मैं कैलकुलेटर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देखता हूँ कि कितने रुपए का स्टॉप लॉस है जिससे हमें टारगेट मिल पाएगा। 65.60 पे एंट्री और 62.75, मतलब माइनस किया मैंने, सो 2.85 का स्टॉप लॉस है। तो हमारा पर शेयर स्टॉप लॉस है 2.85, ठीक है। सो ये हमारा रुपी स्टॉप लॉस हो गया, SL मतलब स्टॉप लॉस। तो अब जो हमारा टारगेट होगा वो इसका डबल होगा। हमेशा आपका जो भी ये रुपी स्टॉप लॉस आ जाता है, रुपी स्टॉप लॉस कहाँ से आता है, रुपी स्टॉप लॉस इक्वल्स टू एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। तो 65.60 माइनस 62.75 था या 70 था, 75 था, राइट, सी दैट। तो इस तरीके से हमें ये कैलकुलेशन निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। एंट्री माइनस स्टॉप लॉस करना है, जो भी आएगा यहाँ पे आया 2.85। सो 2.85 का डबल हमारा टारगेट हो गया, 2.85 इंटू 2, 5.7 रुपीस हमारा एंट्री से टारगेट हो गया। हमारा एंट्री कितना था, 65.60, सो 71 हमारा टारगेट है। इसको हम एक ब्लैंक पेपर पे सिंपली समझते हैं, अगर अभी भी किसी को क्वेश्चन हो तो उसे भी एकदम ही क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारी जो एंट्री है वो है 100 रुपया, 100 रुपीस, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 90 रुपीस, तो
तो आप मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस कितना है। दोनों में डिफरेंस है 10 रुपया, 10 रुपीज़। तो ये स्टॉक का जो हमारा टारगेट होगा वो रहेगा इंटू टू, विच इज़ 20 रुपीज़। कहाँ से 20 रुपीज़? ऑब्वियसली एंट्री से 20 रुपीज़। हमारे जो एंट्री है वो है 100 रुपया, तो हमारा टारगेट हो गया 120। हमारा एंट्री है समझो 500 रुपीज़, ठीक है? 500 रुपीज़ इज़ अवर एंट्री एंड 480 इज़ अवर स्टॉप लॉस SL, ठीक है? तो हमारा यहाँ पर शेयर स्टॉप लॉस हो गया 20 रुपया। 20 × 2 40 रुपीज़ हमारा हो गया टारगेट। तो 500 + 40 कितना हो गया? 540 इज अवर टारगेट। बहुत ही सिंपल है, राइट? अगर आप इस मेथड को यूज़ करोगे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा ट्रेडिंग में। आपका जो ट्रेडिंग लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जॉर्ज सोरोस कह लो या माइकल मोकस कह लो, वो उनमें से काफ़ी लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसको रिस्क टू रिवॉर्ड सिस्टम कहा जाता है नो। और एक इसका बेनिफिट क्या है कि आपको ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने के वजह से बड़े लॉसेस नहीं होंगे, आप बड़े लॉसेस से बच जाओगे। और अगर आप 60% टाइम भी पैसे बनाते हो ना, सिर्फ 60% टाइम, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। मतलब 100 में से 60 ट्रेड में आपने पैसे बनाए तो भी चलेगा, क्योंकि जब आप पैसे गवा रहे हो तब 1 रुपया गवाया, मतलब 40 स्टॉप लॉस हुआ, 1 1 रुपीज लॉस हुआ, 40 रुपीज गया। 60 टाइम्स पैसा बना, 2 2 रुपया बना, 120 रुपीज प्रॉफिट हुआ। सो 120 रुपीज प्रॉफिट माइनस 40 रुपीज लॉस, स्टिल 80 रुपीज आपके पास है। उसमें से ब्रोकरेज जाएगा, टैक्स जाएगा, बाकी के कॉस्ट जाएंगे, उसके बावजूद भी आपके पास 50 to 60 रुपीज आपके पास रहेंगे, विच इज़ अ गुड मनी। सो आप इस चीज़ को फॉलो करिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा साइकोलॉजी लेके, कि क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में आकर चिल्ला के कि ये चलता है। बहुत सिंपल रीज़न है इसके पीछे, साइकोलॉजी होती है कि क्यों कुछ सिस्टम्स चलती है, क्यों कुछ सिस्टम्स नहीं चलती है, किस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करते हैं। रैंडम ट्रेडिंग नहीं होती है प्रोफेशनल ट्रेडर्स की। बहुत ही स्ट्रांग सिस्टम है। अगले वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्यों ये सिस्टम चलती है, क्यों ये इतनी पावरफुल है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बाय करना, ऐसे सेल करना, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, ये एग्जिट है, क्यों कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट साइकोलॉजी वाले वीडियो में ये काफ़ी अपन हम डीपली सीखेंगे इस बात को। आप चाहे तो हमको सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ नॉलेज, कुछ विजडम, और काफ़ी बड़े ट्रेडर्स की कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, विच कैन हेल्प यू टू ग्रो योर ट्रेडिंग, विच कैन हेल्प यू टू ग्रो योर मनी। तो इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुँच सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। फ्रॉम मी एंड माई टीम, आई विल सी यू लेटर।